अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। जी, आप लोगों ने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक देखा, मुझे और तनवीर भाई को देखा, और जो बात लिखी हुई थी वो बिल्कुल ठीक ठाक लिखी हुई थी। आप लोग यूट्यूब के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर वीडियो सर्च करते होंगे, देखते होंगे, अगर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आप लोग वीडियोज़ देखते हैं तो वो आप लोगों को किस ट्रक की बित्ती के पीछे लगा रहे होते हैं। जी ये काम कर लें, एक मिनट के अंदर इतना कमाएं, दो मिनट के अंदर इतना कमाएं, पाँच मिनट के अंदर इतना कमाएं। तो भाई अगर इतना कमा सकते हैं तो वो यूट्यूब पर क्या आम लेने आए हैं? इस वेबसाइट पे चले जाएं, इस वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, यहाँ लिंक पड़ा है, यहाँ लिंक पड़ा है। तो वो वेबसाइट्स किन की होती हैं? उनकी अपनी होती हैं। तो वो खुद क्यों नहीं जाते, आप लोगों को क्यों लेके जाते हैं? तो ये बातें थोड़ी सी कॉमन सेंस की होती हैं और अंदर की बातें होती हैं। तो ये बातें इसलिए वो करते हैं और यूट्यूब पर आके इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईली पे घर बैठ के जो अर्निंग करने का मेथड है वो वाहिद एक यूट्यूब है, और उससे बड़ा मेथड ब्लॉगिंग है। अर्निंग दोनों में होती है, एक में कम होती है। क्यों होती है? उसके अंदर आप लोगों को कम अर्निंग के साथ साथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, आप फेमस होते हैं। दूसरे के अंदर आप बैकएंड पे होते हैं और अर्निंग ज़्यादा होती है। क्यों होती है? ये सारी बातें आगे जाके शेयर कर लेते हैं। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने और तनवीर भाई ने रमज़ान स्टार्ट होने से पहले तकरीबन डेढ़ महीना पहले हमने ये काम स्टार्ट किया था कि हमने कहा कि यार हम अपने व्यूवर्स तक एक्यूरेट चीज़ पहुँचाएँ कि भाई ये असल अर्निंग का मेथड है जहाँ से पूरी दुनिया अर्निंग कर रही है। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग इतनी वीडियोस देखते हैं, इतनी वीडियोस करोड़ों अरबों के हिसाब से वीडियोस पड़ी हैं और डेली बेसिस पे न्यू वीडियोस बनती हैं। जो वीडियोस बनाते हैं उनका दिमाग ख़राब है। तो सीधी सी बात है भाई, बहुत हाईली पेइंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब ब्लॉगिंग एंड एडसेंस। ठीक है, और दुनिया में वाहिद रियल बहुत मतलब कि 1000% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो मैंने और तनवीर भाई ने मिलकर ये सोचा कि हम अपनी ऑडियंस के लिए एक ऐसा प्रिसाइज कोर्स बनाएं जिसके अंदर उनको दोबारा कभी इस तरह की वीडियोस ना देखनी पड़े। ठीक है, और एक सीक्वेंस के साथ बनाएं। अब आप लोगों के जहन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि यार ये कोर्स आप अपने चैनल पे भी डाल सकते थे। बिल्कुल, आप लोगों की बात बिल्कुल बजा है, तो हम डाल सकते थे। बट ये क्या होता है कि हम एक फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आपके क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस में लग जाते हैं। ठीक है, फिर हमने अपना एक रेगुलर कंटेंट भी डालना होता है, फिर हम कभी कभार उतार जाते हैं कि यार छोड़ो आज ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके ऊपर काम करते हैं, और सब कुछ मिस हो जाता है और मिक्स हो जाता है। ठीक है, आप लोग हैं तो आप लोग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूट्यूब पर काम करना चाह रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने ये स्टेप कर लिया तो अगला क्या होगा। आप दरमियान वाले दो तीन स्टेप छोड़ के चौथे स्टेप पर चले जाते हैं, फिर आगे जाके फंस जाते हैं, तो फिर पीछे वापस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ब्लॉगिंग के अंदर आप लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई ब्लॉगिंग क्या है, आप लोगों को पता ही नहीं होता डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही नहीं होता, और आप लोग बस ये ब्लॉगर के ऊपर लग जाते हैं और शायद यहाँ पर सब कुछ फ्री में बांट रहा है और यहाँ पर आके शुरू हो जाएँ और लाखों डॉलर घिरने लग जाएंगे। आप लोगों को पता ही नहीं होता काम कैसे करना है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। आप क्लास वन में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके फौरन बाद आप क्लास टेंथ में नहीं आ जाते। क्यों नहीं आते? क्योंकि टेंथ में आने के लिए पीछे आप लोगों को 9 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये कोर्स बनाया और बड़ा एक प्रिसाइज कोर्स बनाया। इस तरीके से हमने ये कोर्सेज बनाए हैं ब्लॉगिंग का और यूट्यूब का कि ये दोनों आपस में काफ़ी हद तक इंटरलिंक भी हो सकते हैं। अगर आप लोग ये दोनों कोर्सेज बाय करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट के अंदर अर्निंग कर सकते हैं इनको फॉलो करते हुए। ठीक है, बाकी अगर आप लोग एक एक कोर्स भी बाय करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, जैसे आप लोगों की मर्जी। लेकिन यहाँ पे ये आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और आप लोग पूछेंगे तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता देता हूँ ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोगों की ख़त्म हो जाए कि इन कोर्सेज के अंदर क्या क्या होगा। तो भाई मैं सिंपल लफ्ज़ों में आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस कोर्स में ये होगा कि एक बच्चा जिसकी हम उंगली पकड़ के उसको आगे तक लेके जाते हैं ना, इस कोर्स में ये होगा। मतलब जिसको ये भी नहीं पता कि जीमेल के ऊपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसको अगर हम पहले सॉरी ब्लॉगिंग की बात कर लेते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होती है। इस ब्लॉगिंग होती है भाई वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट वेबसाइट के ऊपर एड्स देता है गूगल और उस एड्स के आप लोगों को पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं इससे रिलेटेड मैं पहले बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा हाईली पेइंग यूट्यूब और इससे डेली मोशन वगैरह वगैरह, इन सबसे ज़्यादा हाईली पेड जो अर्निंग होती है गूगल से वो वेबसाइट्स के थ्रू होती है। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब के ऊपर ऐड आता है वो भी गूगल देता है, जो वेबसाइट के ऊपर ऐड आता है वो भी गूगल देता है। जब यूट्यूब के ऊपर ऐड आता है तो दरमियान में एक थर्ड पार्टी यूट्यूब बन जाती है, वो अपना 45% कमीशन काट के बकाया पैसे आपको देती है। ठीक है, लेकिन जो वेबसाइट के ऊपर ऐड आता है वो डायरेक्टली यूट्यूब गूगल की तरफ से आता है, उसका 100% आप लोगों को मिलता है, इसलिए वहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है।
तो इसलिए हमने इन दोनों को इंटरलिंक करके बनाया कि इस तरीके से कि आपका यूट्यूब चैनल ऐसा हो कि जिससे आप आराम से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जा सकें, और आपकी वेबसाइट ऐसी हो जिससे आप आराम से यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रैफिक लेके जा सकें, दोनों सेम इंटरेस्ट के हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। और यहाँ पे अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। ब्लॉगिंग की बात की जाए तो भाई ब्लॉगिंग का पहला स्टेप होता है कि डोमेन बाय करना। एड्रेस नहीं होता, जैसे आप लोग लिखते हैं www.youtube.com, ठीक है, इसको कहा जाता है डोमेन। डोमेन बाय करने से लेके उसको होस्टिंग परचेज करना, फिर उसके अंदर अपने वर्डप्रेस की सेटिंग करना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर मेजर चेंजेस करना जो आप लोगों को आगे मुफीद होती हैं, उसके अंदर उसकी प्लगइन्स की गेम्स करना सारी, आर्टिकल लिखना, थीम इंस्टॉल करना, थीम की कस्टमाइजेशन करना, और सारे सेटलमेंट करना, अपनी वेबसाइट की एक लुक एंड फील बनाना, और इसके साथ साथ एंड पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन के लिए, एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है वो करना। और उसके बाद वो जो कोर्स होगा वो उसकी एक प्राइवेट वीडियो यूट्यूब पे मौजूद होगी। जब आप लोग जो भी बाय करेगा वो अपना ईमेल एड्रेस देगा, उसको ईमेल के थ्रू एक्सेस दी जाएगी, और जिस जो ईमेल वो प्रोवाइड करेगा उसी ईमेल के साथ उसने अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करना, यूट्यूब की एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, और वो देख सकेगा उस वीडियो को। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ईमेल होगा सपोर्ट के लिए। कोई आप लोगों को मसला आ जाता है, परेशानी आ जाती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो वो पेड मेंबर्स के लिए सपोर्ट भी होगा। आप लोगों ने उस पर हमें ईमेल करनी है, सेम मुझे भी और तनवीर भाई को भी। ठीक है, यूट्यूब से रिलेटेड कोई मसला आ जाता है तो आप लोगों ने तनवीर भाई को ईमेल करनी है, और उसके बाद अगर वेबसाइट ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई मसला आ जाता है तो आप लोगों ने मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो वो पेड मेंबर्स के लिए एक ईमेल भी नीचे दी होगी, तो वो हम आप लोगों को इंशाल्लाह फुली फैसिलिटेट भी करेंगे। ठीक हो गया। यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब का भाई जिसको जीमेल का अकाउंट भी नहीं बनाना आता ना, जीमेल का अकाउंट बनाने से लेके चैनल की सेटिंग और उसके बाद वीडियो बनाने का तरीका, वीडियो शूट करने का, और उसके बाद वीडियो के टॉपिक्स निकालने का, वीडियो अपलोड करने का, चैनल की एसईओ करने का, चैनल की सेटिंग करने का, वीडियो एडिट करने का, थंबनेल करने का, चैनल की पॉलिसी सेटिंग्स का, ईच एंड एवरीथिंग, टॉपिक्स निकालने का, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने का तरीका, उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का तरीका, मोनेटाइजेशन के अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह सारे जो एडसेंस के प्रॉब्लम हैं वो उसके अंदर डिस्कस्ड हैं। फिर भी आप लोगों को अगर कोई मसला आ जाता है तो कोर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सपोर्ट का ईमेल मेंशन होगा, आप लोग उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके, मुझसे और तनवीर भाई से कॉन्टैक्ट करके जो भी इशू होगा वो इंशाल्लाह हम अपना सरदर्दी समझ के इंशाल्लाह उसको हम हल करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो कोर्स बाय करने के लिए नीचे नंबर प्रोवाइडेड है, आप लोगों को जहन में रखिएगा कि इस नंबर के ऊपर सिर्फ वही बंदा मैसेज करे जो कोर्स से इंटरेस्टेड है कोर्स लेने में। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ना मेरे पास है ना तनवीर भाई के पास है, ये मेरे मैनेजर के पास है। ठीक है, तो ये मेरे मैनेजर को अगर वैसे मैसेजेस इधर उधर के आ जाएंगे तो जो काम करना चाह रहे हैं वो हमसे मिस हो जाएंगे। तो ये आपसे एक मुद्दबाना गुजारिश है कि सिर्फ हम इस नंबर के जिम्मेदार हैं, मैं और तनवीर भाई सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के जिम्मेदार हैं जो नीचे आप लोगों को व्हाट्सएप मेंशन हुआ हुआ नजर आ रहा है। बस इसके अलावा हम किसी भी नंबर के जिम्मेदार नहीं हैं, ये बात बता दूं मैं आप लोगों को। कोई बंदा आपको मैसेज करे कि मैं शफीक जाफरी हूं, कोई बंदा आपको कहे कि मैं आपका शफीक जाफरी से रابطہ करवा दूंगा, कोई कहे कि मैं तनवीर असगर हूं, कोई कहे मैं तनवीर असगर से आपका रابطہ करवा दूंगा, तो वो बिल्कुल झूठे हैं। हम कभी भी आप लोगों को खुद मैसेज नहीं करते, ये एक मेरे मैनेजर का नंबर है, सिर्फ और सिर्फ हम इस मैनेजर के नंबर के जिम्मेदार हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है और बताना है कि कौन सा कोर्स चाहिए, अपना ईमेल एड्रेस दें, उनको पेमेंट करें और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। सिंपल इज दैट। ठीक है, बिल्कुल इसको सिंपल लेके हम लोगों ने चलना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बताएं, जो मतलब के पेड मेंबर्स होंगे नीचे ईमेल मेंशन होगी तो वो हमें ईमेल करें, हम उनका इंशाल्लाह इशू भी रिजॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने और तनवीर भाई ने हमने मिलके एक पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंडिया और यूके की MCN के साथ। हम दोनों भाई कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे उनके साथ किसी तरीके से पार्टनरशिप हो जाए, और पार्टनरशिप होने के बाद इंशाल्लाह जो हमारे पेड मेंबर्स होंगे हम उनको MCN ज्वाइन करने की फैसिलिटी भी देंगे।
ठीक है, बिल्कुल फ्री में उनको एमसीएन ज्वाइन करवा के देंगे। और इस टाइम आप लोगों को पता है कि जो भी एमसीएन के लिए आपका चैनल लेता है, कम से कम एमसीएन जो है 20-30% कमीशन रखता है अपने पास। और हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम विद पार्टनरशिप 15% पे आ जाएं। तो अगर हम 15% पे उनके साथ पार्टनरशिप पे आ जाते हैं तो काफ़ी एक्सेसिस हमारे पास होंगी, तो हम अपने पेड मेंबर्स को इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करवा के देंगे। आजकल तो ज्वाइनिंग के लिए भी लोग फीसें ले रहे हैं, $300-$400 ले रहे हैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद YouTube के हवाले से अगर बात की जाए और ब्लॉगिंग कोर्सेज के हवाले से बात की जाए, इसमें एक्स्ट्रा हमने ये रखा है कि हमने आप लोगों को प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स की भी एक्सेस दी है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स जिसमें अडोब प्रीमियर है सबसे पहले नंबर पे, 2020 वर्जन, वो बहुत बड़ा पेड सॉफ्टवेयर है, वो आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर पेड सॉफ्टवेयर है, उसका प्रो वर्जन आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। काइन मास्टर के प्रो वर्जन आप लोगों को फ्री में दिए जाएंगे। पिक्स आर्ट के, उसके बाद कुछ फॉन्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, जो पेड मेंबर्स होंगे जहाँ पे उनको ईमेल सपोर्ट नज़र आ रही होगी, उसके नीचे ही ड्राइव का लिंक होगा और उस ड्राइव के लिंक से वो सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंसान थोड़ा सा काम करने वाला हो, थोड़ी सी सिर्फ मेहनत करने वाला हो। हाँ, यहाँ पे मेरे एक और भी इशू है, मैं वीडियो इसलिए लंबी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के मसाइल हल हो जाएं पहले ही, किसी किस्म की भी मतलब के क्वेश्चन करने से पहले। बहुत सारे लोग मुझसे मैनेजर से ये लाजमी क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये कोर्स देखने के बाद मैं कितने पैसे कमा सकूंगा। तो एक बात मेरी यहाँ पे याद रखनी है कि आप लोग कोर्स 3,000 का लें, 5,000 का लें, या 50,000 का लें, या 5,00,000 का लें, आप लोग एक रुपया भी नहीं कमा सकते जब तक आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। कोर्स बाय करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों ने कोई स्टेट बैंक के अंदर अपना खाता खुलवा लिया और मंथली आपको वहाँ से पेंशन आती रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक सीखने का प्रोसेस है। अगर आप लोग 16 साल लाखों रुपये दे के यूनिवर्सिटीज़ में फिर भी बेरोज़गार फिर रहे हैं, और 5,000 रुपया दे के आप लोगों की बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो किस चीज़ को प्रेफर किया जाएगा? 16 साल वहाँ भी सीखे ना, तो 1 महीना यहाँ सीख लें। ठीक हो गया मेरी जान। तो ये थी कुछ डिटेल्स कोर्स रिलेटेड, और ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट करनी थी, आप लोगों को बताना था कि ब्लॉगिंग और यूट्यूब का कोर्स है वो आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग का मतलब होता है वेबसाइट। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ब्लॉगिंग होती क्या है। भाई जान, वेबसाइट होता है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर एड्स लगते हैं, जैसे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर एड्स आते हैं, और वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्निंग होती है। बाकी कोई मसला परेशानी वगैरह है तो वो भी इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ मिल बांट के एंटरटेन कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।